दोस्तों वीवो जल्दी ही लॉन्च करने वाला है अपनी वीवो X70 सीरीज ऑफ स्मार्टफोन्स को चाइना में, एंड उसके बाद ये स्मार्टफोन सीरीज इंडिया में भी लॉन्च होगी। इस स्मार्टफोन सीरीज में 3 स्मार्टफोन्स होंगे, वीवो X70, वीवो X70 प्रो एंड वीवो X70 प्रो प्लस स्मार्टफोन। एंड दोस्तों जो वीवो X70 प्रो प्लस स्मार्टफोन होने वाला है, इस वाले स्मार्टफोन के रेंडर्स, स्पेसिफिकेशंस, प्राइस एंड लॉन्च डेट और सभी चीज़ों को लीक कर दिया गया है। तो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा इस स्मार्टफोन के फर्स्ट लुक, बताऊंगा इस स्मार्टफोन के लीक प्राइस, स्पेसिफिकेशंस एंड लॉन्च डेट के बारे में। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो में बने रहेगा एंड तक। चलिए शुरू करते हैं। बात करें इस स्मार्टफोन के फर्स्ट लुक की, तो कुछ ऐसा दिखने वाला है वीवो X70 प्रो प्लस स्मार्टफोन आगे से एंड पीछे से। पीछे की साइड यहाँ पे आपको रेक्टेंगुलर कैमरा मॉड्यूल देखने को मिलेगा, 4 कैमरास यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, नीचे वीवो की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी। बात करें फ्रंट साइड की, तो यहाँ पे आपको कर्व्ड पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलेगी। एंड दोस्तों बात करें इस स्मार्टफोन के डिजाइन की, तो ये स्मार्टफोन 8.89 mm थिक होगा, 209 ग्राम इस स्मार्टफोन का वेट होगा। बात करें इस स्मार्टफोन के बिल्ड क्वालिटी की, तो यहाँ पे आपको 2 वेरिएंट्स में देखने को मिल सकता है, ग्लास बैक वेरिएंट एंड सिरामिक बैक वेरिएंट्स में। एंड दोस्तों यहाँ पे आपको एल्युमिनियम का फ्रेम देखने को मिलेगा। बात करें डिस्प्ले की, तो यहाँ पे आपको 6.78 इंच की 2K E5 कर्व्ड एमोलेड LTPO डिस्प्ले देखने को मिलेगी। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा, 480 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट होगा, 10 bit यहाँ पे आपको कलर्स देखने को मिलेंगे, 1500 nits की पीक ब्राइटनेस होगी, HDR10+ सर्टिफाइड होगा स्मार्टफोन। एंड दोस्तों यहाँ पे आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस का प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। तो बात करें ओवरऑल डिस्प्ले की, तो यहाँ पे आपको काफी तगड़ी डिस्प्ले इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगी। बात करें कैमरास की, तो कैमरास के मामले में भी दोस्तों यहाँ पे आपको फ्लैगशिप लेवल के कैमरास देखने को मिलेंगे। पीछे की साइड क्वाड रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जिसमें कि 50 मेगापिक्सल का होगा मेन कैमरा, जो कि होगा सैमसंग का GN1 सेंसर, 48 मेगापिक्सल का होगा अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, जो कि होगा सोनी का IMX598 सेंसर। एंड दोस्तों यहाँ पे आपको 12 मेगापिक्सल का पोर्ट्रेट कैमरा देखने को मिलेगा एंड 8 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप लेंस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको ज़ाइस के ऑप्टिक्स देखने को मिलेंगे, माइक्रो गिम्बल स्टेबलाइजेशन का फीचर देखने को मिलेगा, 5x ऑप्टिकल जूम देखने को मिलेगा। एंड दोस्तों यहाँ पे आप रियर कैमरे से 8K वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। बात करें सेल्फीज की, तो यहाँ पे आपको 32 मेगापिक्सल का सेंट्रली अलाइन सिंगल पंच होल सेल्फी कैमरा इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा। बात करें परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 888+ प्रोसेसर देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे आपको गेमिंग परफॉर्मेंस तो बहुत ही अच्छी देखने को मिलेगी। 8GB/12GB यहाँ पे आपको LPDDR5 RAM देखने को मिलेगी एंड 256GB/512GB UFS 3.1 स्टोरेज आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा। बात करें बैटरी की, तो यहाँ आपको 4500 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी एंड 66W की फास्ट चार्जिंग आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगी। बात करें मल्टीमीडिया की, तो यहाँ पे आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर्स देखने को मिलेंगे, डॉल्बी एटमॉस का साउंड होगा, हाईरेस ऑडियो एंड हाईरेस ऑडियो वायरलेस सर्टिफाइड होगा ये स्मार्टफोन। तो मल्टीमीडिया के मामले में भी काफ़ी तगड़ा एक्सपीरियंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो स्मार्टफोन फनटच OS पर रन करेगा, जो कि एंड्रॉयड 11 पर बेस्ड होगा। बात करें कनेक्टिविटी की, तो यहाँ पे आपको 5G का सपोर्ट देखने को मिलेगा, डुअल 4G वोल्ट होगा, डुअल बैंड वाईफाई होगा, ब्लूटूथ 5.2 होगा, GPS का सपोर्ट होगा एंड दोस्तों NFC का भी सपोर्ट आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा। बात करें सिक्योरिटी की, तो यहाँ पे आपको फेस अनलॉक के साथ इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा। बात करें पोर्ट्स एंड बटन्स की, तो यहाँ पे आपको USB टाइप सी चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलेगा, पावर ऑन बटन होगा एंड दोस्तों वॉल्यूम रॉकर बटन भी आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा। बात करें कलर वेरिएंट्स की, तो ये स्मार्टफोन आपको 2 कलर वेरिएंट्स में देखने को मिलेगा, ब्लैक एंड ऑरेंज कलर में। बात करें इस स्मार्टफोन के प्राइस की, तो दोस्तों ये फ्लैगशिप स्मार्टफोन होने वाला है, तो ये स्मार्टफोन आपको 70,000 रुपये के आसपास के प्राइस में इंडिया में देखने को मिलेगा। दोस्तों ये लीक्ड प्राइस है, इस प्राइस के ऊपर कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आ पाई अभी तक। बात करें इस स्मार्टफोन की लॉन्च डेट की, तो दोस्तों चाइना में स्मार्टफोन 9 सितंबर को लॉन्च होगा, लेकिन इंडिया में स्मार्टफोन सितंबर की एंडिंग में या फिर अक्टूबर के स्टार्टिंग में लॉन्च हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, यही थी कुछ बातें जो मैं आपको वीवो X70 प्रो प्लस स्मार्टफोन के बारे में बताना चाहता था। आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।